नमस्कार, टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ राकेश मेवाड़ा। गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमिस्टर 6 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के न्यू सिलेबस के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक ही चैप्टर का चेंजेस है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बीच में। जो भी चेंजेस हैं सारी डिटेल आपको ये वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट 1 है न्यू सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, एप्लीकेबल होगा 21-22 से। मतलब अब आप जब सेमेस्टर 6 में आए हो तब आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, गुजराती मां कईशु प्रमाण पड़तर पद्धति 1 जो ओल्ड सिलेबस में था। सेकेंड चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, प्रमाण पड़तर पद्धति 2, ये भी ओल्ड सिलेबस में था। उसके बाद कैपिटल बजटिंग मूड़ी बजट, ये भी ओल्ड सिलेबस में था। तो न्यू जो आपका चैप्टर ऐड हुआ है वो चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर, ये आपका न्यू चैप्टर ऐड हुआ है। वैसे तो अगर ये चैप्टर की मैं बात करूँ तो सेमेस्टर 5 का जो ओल्ड सिलेबस था उसमें यह चैप्टर था, बट वहाँ पे आपको ये चैप्टर कट कर दिया गया था सेमेस्टर 5 के न्यू सिलेबस में और वो उठा के यहाँ पे ला दिया आपका सेमेस्टर 6 में। जो मैंने आपको बता दिया ये खाली ओनली 1 चेंजेस है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बारे में, वो है सीमांत पड़तर मार्जिनल कॉस्टिंग जो नव चैप्टर आम एड करूँ। सो गुजरात यूनिवर्सिटी रिलेटेड भी ऐसी सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।